गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में विशेषण पाठ का भाग दो आप लोगों को बताया था, जिसमें गुणवाचक विशेषण के बारे में और विशेष्य के बारे में बताया था। आज जो आपके तीन विशेषण बचे हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण जो बचे हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है बच्चों, संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि मैं बार बार ये बोलती हूँ कि पहले तो शब्दों को समझिए, वाक्यों को समझिए, शब्दों को समझिए। शब्दों को जब समझने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसे ही समझ में आने लगेंगी। जैसे कि संख्यावाचक विशेषण मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि संख्या बताने वाले विशेषण। बच्चों, जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं या उनकी जानकारी देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जिनसे हमें संज्ञा या सर्वनाम के संख्या के बारे में जानकारी मिलती है, उसको हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बिस्किट हैं, तो बिस्किट तो काउंट किए जा सकते, गिने जा सकते हैं, थोड़े से हैं, यानी कि संख्यावाचक संख्या में है। थोड़े से हैं यानी कि संख्या में है। मेरे पास थोड़े से बिस्किट हैं, तो थोड़े से जो है वो क्या है, ये संख्या क्या बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण है। अगर ऐसे शब्द हैं तो ये संख्यावाचक विशेषण कहे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य देते हैं, परिमाण देते हैं उनको ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के माप तौल या उसके परिमाप के बारे में जानकारी देते हैं, उनको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कभी जब हम लोग पेट्रोल टंकी पे जाते हैं और आप जाते हैं तो आपकी बाइक को तेल डलवाना होता है, वैसे तो कहते हैं कि पेट्रोल डाल दो भाई, आप कहते हैं ना 500 रुपए का पेट्रोल डाल दो। ठीक है, 500 रुपए का आपने पेट्रोल डाला, यानी कि 500 रुपए का जो पेट्रोल होता है वो आपका परिमाण देता है। ठीक है, 5 लीटर पेट्रोल डालने से, बोलते हैं ना 2 लीटर पेट्रोल डालिए, 5 लीटर पेट्रोल डालिए, 10 लीटर पेट्रोल डालिए। यानी कि बच्चों, ऐसे विशेषण शब्द जिसमें तौल या माप हो, ठीक है, किसी की लंबाई नापी गई हो, किसी की चौड़ाई नापी गई हो, किसी की ऊंचाई नापी जाती है, माप